हेलो, क्या हाल है दोस्त? कैसा है? एकदम मस्त। तू बता। अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाना। ऐसे कैसे पटना पहुंचकर भी फोन नहीं किया उसने? पारस मैदान के मेन गेट से पहला राइट लेना, वहां से दो गली छोड़ के एक खंडर दिखेगा, वहां आ जाओ। रास्ता काफी सकरा है, छोटी एम्बुलेंस लेके आना। क्राइम ब्रांच जोन 6 मुकाया वारदात पहुंच गई है, लाश आदमी की है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है बॉडी पर, गला घोटा गया। सब इससे जुड़ा हो सकता है। पहले पहचान हो जाए, तभी कोई कड़ी जुड़ेगी। शफीक भाई, सीधा कॉलेज ही चलते हैं, हो सकता है उसका फोन खराब वराब हो गया हो। आपा शायद कहीं काम से बाहर गया हो, आप टेंशन ना लो। लेकिन यहाँ पटना पहुंचने के बाद भी एक भी फोन नहीं किया उसने, ऐसा तो कभी नहीं करता वो। तेईस से 26 के बीच में उम्र, मौत गला घोटने की वजह से हुई, लगभग 18 घंटे पहले। मतलब कल दोपहर को, खाना खाने के बाद। पेट में फूड ट्रेसेस तो नहीं मिले, लेकिन ब्लड में अल्कोहल लेवल बहुत हाई था। अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। फिर भी सारे स्टेशन्स पे अलर्ट जारी कर दो, एक ही दिन हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेन आई नहीं होगी। अवस्थी सर, पोस्टर इश्तेहार जारी करवा दे। तुरंत करवा दो। ओके सर। ऐसी जगह पर आमतौर पर लोग आई लव यू, राजू लव्स मीना वगैरह लिखते हैं, पर ये तो कुछ और ही है। सर प्यार वाला संदेश तो नहीं लगता, किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन लगती है। तुम हो, कोई और नहीं हो सकते। शफीक जी, आप पारसबाग पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच से मिल लीजिए एक बार। मनोज जी, बात क्या है? कुछ पता चला है आपको? नजीब ठीक तो है ना? क्या हुआ नजीब को? उसका पोस्टर लगा है, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है पुलिस को, लिखा है उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पोस्टर पर फोटो नजीब का ही है। क्या हुआ भाईजान? क्या हुआ बताइए ना भाईजान। नसीब ठीक तो है ना? ये सब
कैसे? कल 11 तारीख को हमें एक अज्ञात फोन आया था। पारस बाग के खंडर में हमें लाश मिली। हमारे साथ ही था। शुक्रवार और शनिवार को, शनिवार को गया से निकला पटना आने के लिए। वो यहाँ पटना पहुंचा लेकिन उसने अपने घर फोन नहीं किया, उसका फोन भी बंद था। तो उसके अब्बा यानी कि मेरे बड़े भाई शफीक ने मुझे फोन किया कि कहीं वो मेरे यहाँ तो नहीं आया। हम लोग कल उसके क्वार्टर भी पहुंचे थे लेकिन वह ताला बंद था। शराब? जी, काफी पी रखी थी नजीब ने। घटनास्थल पे हमें शराब की बोतल और ग्लासेस भी मिले। वो किसी के साथ बैठकर पी रहा था। नामुमकिन, हमारा नजीब तो पान तक नहीं खाता था। कभी नहीं पीता था। हमारे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था। सब लोग उस पर फख्र करते थे। कितने मारा होगा हमारे नजीब को। वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम करीम जी। शायद उसे किसी ने पीने के लिए बुलाया था और मार डाला। किसके साथ पीने बैठा होगा नजीब? कौन कौन दोस्त थे उसके? हम कह रहे ना, वो पीता ही नहीं था। फोन नंबर दीजिए आप उसका। लैपटॉप की एंट्री करो और कब्जे में ले लो। एज लैब असिस्टेंट नजीब अपने काम में एकदम परफेक्ट, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में भी सभी शॉक्ड थे, सब स्टूडेंट काफी पसंद करते थे उसे। किसी स्टूडेंट के साथ पीना भी ना होता होगा या फिर किसी कलीग के साथ? नजीब पीता था ये तो मुझे पता नहीं, और ना ही ऐसा कुछ सुना। हाँ, पर कभी लेट नहीं होता था। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नजीब, एज यूजुअल टाइम से पहले हैं। सर ये फाइनली आ गए हैं बीकर्स, तो मैं इनको यहाँ पे लगा रहा हूँ। आधे घंटे में प्रैक्टिकल्स है ना सेकंड ईयर वालों के। काफी खुश मिजाज था, काम में एकदम पंचुअल, एकदम सटीक। मैडम भला ऐसे आदमी को कोई क्यों मार डालेगा? दीवार पे ये लिखा मिला था, तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब हो सकता है मैडम? मनोज जी को ये कह रहा है कि जो तुम हो वही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। आपको लगता है इसका नजीब से कोई ताल्लुक बनता है? मुझे तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता मैडम। मतलब नजीब जो था वो सही था, मतलब वो कोई और बनने की कोशिश क्यों करता? कोई और है जो नजीब को करीब से जानता हो, जो हमें उसके बारे में कुछ और बता सके? आप अशोक से बात कीजिए, वो और नजीब काफी करीबी दोस्त थे। समझ नहीं आ रहा सर, नजीब कुछ और बनने की कोशिश ही क्यों करता? वो जो था, जो कर रहा था, उसे अच्छी तरह निभा रहा था। MSc ऑनर्स कर ली थी, अच्छी जॉब थी और सब लोग पसंद करते थे उसे। जिसे सब लोग पसंद करते हैं अशोक, उसे कोई ना कोई नापसंद जरूर करता है। नजीब जो था उससे किसी को तो आपत्ति थी, इसलिए मार डाला उसे। सर ऐसा कोई मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा, और वैसे भी नजीब का कभी किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं हुआ, एकदम सीधा बंदा था सर। अशोक हमें कुछ नया सुनना है। सबका यही कहना है कि वो पढ़ा लिखा था, मिलनसार था, काम में अच्छा था, ये था वो था, बस सच ये है कि नजीब को किसी ने पारस बाग के खंडर में बुलाया, उसके साथ दारू पी और फिर उसका मर्डर कर दिया। करीबी दोस्त था तुम्हारा, अच्छे से जानते होगे, तो फॉर्मेलिटीज को साइड कर दो और असली बात सामने रखो। नजीब पीता था मैडम, हम लोग कई बार उसके रूम पे बैठते थे। उसे पीने का काफी शौक था, लेकिन इस शौक का दुनिया में किसी को पता नहीं था, यहां तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं। और ऐसा क्या क्या था अशोक जो किसी को मालूम नहीं है? कौन है ये? नजीब की गर्लफ्रेंड हो सकती है सर, लेकिन अभी तक जिक्र किया नहीं किसी। नजीब के शराब पीने के शौक का जिक्र भी काफी देर से। हीना मिर्जा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड ही थी। थी मतलब? एक महीना पहले ब्रेकअप हुआ था। क्यों? अभी भी फोन नहीं उठा रही है यार। अरे जाने देना यार, प्यार में कैसी जबरदस्ती। अच्छा ऐसे कैसे जाने दे,
यार मैं नाइंसाफी चलती है क्या? काफी डिस्टर्ब रहता था, सबसे मिलना मिलना भी बंद हो गया था एक महीने से। मैंने पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। सारी दुनिया उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी परेशानियों के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे भी हलक में उंगली डालनी पड़ी। मैंने नजीब को कई दफा समझाया था कि हिना उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं थी? सर हिना थोड़ी अलग है, थोड़ी बोल्ड टाइप, और वो नजीब के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती थी। कुछ समझ नहीं आता था उसका। मतलब जब नजीब गायब हुआ तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब पता चला कि उसका मर्डर हो गया है तब भी कोई फर्क नहीं। हेलो जी। जी हाँ, मैं जानती थी नजीब को, लेकिन मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, मेरा ब्रेकअप हो गया था उसके साथ एक महीने पहले, और तब से मैं उसके साथ बिल्कुल टच में नहीं हूँ। तो अब मैं आपको क्या बता सकती हूँ? ब्रेकअप क्यों हुआ था? पर्सनल है, और ब्रेकअप होना कोई गुनाह तो नहीं है, नॉर्मल है। देखिए मर्डर नॉर्मल नहीं है ही ना? ओके, मर्डर नॉर्मल नहीं है, मगर मेरी नजीब के साथ रिलेशनशिप मर्डर का कारण नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? नर्वस होना चाहिए मुझे। तो फिर ब्रेकअप का कारण क्यों नहीं बता रही हो? कहा ना पर्सनल है, बताना ना बताना मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी को लॉकअप के अंदर ले चले, मिलवाएं तुम्हारी मर्जी को हमारी मर्जी से? धमकी किसे दे रही हैं आप? हमें हल्के में लेने की गलती मत करना। उस नजीब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। किसी की जान लेने गई, लेना देना तो हुआ है आफरीन जी। तो हमने मार डाला उसे? अजीब जबरदस्ती है ये, खामखा हमारे सर पर खून थोपेंगे आप? 2 साल की रिलेशनशिप थी मेरी और नजीब की, लेकिन नजीब हद से ज्यादा पजेसिव हो रहा था। किसी फिल्म स्टार की तारीफ भी करूं तो आग बबूला हो जाता। दरअसल सर, लोगों ने जो आपको नजीब के बारे में बताया है ना, नजीब वो नजीब था ही नहीं, वो कोई और ही था। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। नजीब की हमें जहां लाश मिली उसके पास दीवार पर लिखा था तो ये कि तुम कह रही हो कि नजीब वो नजीब नहीं था जो लोग उसके बारे में कहते थे, वो कोई और ही था, उसकी असलियत कुछ और ही थी। दीवार पर लिखा हुआ ये भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। So, दोनों बातें कनेक्टेड हैं, यानी कि मैंने जिसने ये मर्डर किया या करवाया है वो ये दीवार पर लिख देती है या लिखवा देती है, ताकि आप आसानी से ये कनेक्शन ढूंढ सके। नहीं, क्यों? कोई भी निशान क्यों छोड़ रहा है पीछे? जीते जी मैं इसको कह नहीं पाया, अब इसकी रूह पड़ ली। नजीब वो नजीब क्यों नहीं था जो दुनिया उसे समझती थी? क्योंकि मैंने उसकी असलियत देखी थी। तो वो असलियत क्या थी ही ना? नजीब साइको हो रहा था, मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पागलों के जैसे मेरा पीछा कर रहा था, वायलेंट हो रहा था। कारण बताओ। थकान, मतलब बोरियत। तुम बोर हो गई हो मुझसे? जो समझना है समझ लो, जब तक अच्छा था अच्छा था, अब नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकती हो ना? जब तुम्हारा मन चाहता रिश्ता रख लिया, एक मिनट में सब खत्म कर दिया। मैं सब होने नहीं दूंगा। ऐसा हो चुका है नजीब, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। सोचना भी नहीं, चुपचाप सहूंगी नहीं मैं। एक बार ही आईने में देखो खुद को, देखो क्या बन गए हो तुम। तुमने मुझे ऐसा बना दिया ना? खुद पर तरस खाना तुम्हारा स्टाइल कभी नहीं था नजीब, इतना भी जलील ना करो खुद को।
क्या है? हिना कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आखिरी बार शराफत से कह रही हूँ, हिना तुझसे नहीं मिलना चाहती। मुझे हिना से एक बार मिलना है, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पर मजबूर मत करना जी। तो फिर क्यों नहीं की पुलिस कंप्लेंट? क्योंकि मैं हमारे रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो पहले ही पागल हो रहा था और उसके पागलपन को मैं और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा टाइम लगेगा पर संभल जाएगा, मैं तो आगे बढ़ी चुकी थी। सुना आगे बढ़ने में कोई हमसफर भी मिल गया था नया? पुलिस वाली है ना, सबूत तो हो गए। तो फिर दोबारा मुझसे पूछकर क्या मजा आ रहा है आपको मैडम? यानी हमने सही सुना? आप लोग जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मेरी पर्सनल लाइफ जिसमें आप इस वक्त दखल दे रहे हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या कोई और था हिना? नहीं था, बस मैं नजीब के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। नजीब तो अब रहा नहीं, तो अब आप किसके साथ रिलेशनशिप में है हिना जी? आप तय कीजिए, आप नजीब की मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हैं या मेरी लव स्टोरी लिख रही हैं? हिना, तुम्हारी इस नई लव स्टोरी में नजीब काटा था, परेशान कर रहा था, किसी तरह का ब्लैकमेल। आपका मतलब है कोई सेक्स टेप, अश्लील वीडियो? करेक्ट। गलत, आप लोग ना पूरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़े हो। देखिए, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि एक तो अपना सेक्स टेप बनने देती और दूसरा ब्लैकमेल से डरती। और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ना मेरी निजी जिंदगी को नजीब से कोई खतरा था, और अगर होता भी तो वो खतरा खत्म करने के लिए मैं उसकी जान नहीं लेती। झूठ बोल रही है। हिना के फोन रिकॉर्ड निकलवा और इसकी जिंदगी में जो अब है, इसके इस नए प्रेमी की हिस्ट्री भी निकलवा। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। श्योर ये नजीब की जिंदगी से जुड़ा है और शायद हिना की भी। सर, नजीब को शायद फुसला के मौत के खंडर बुलाया गया था। 10 सितंबर की दोपहर को जो कॉल आया था, वो आखिरी कॉल? हेलो सर, नंबर ट्रैक किया है 4447891, फर्जी नाम फर्जी एड्रेस। सर, इस नंबर से एक ही कॉल हुआ है नजीब। सर, अब ये नंबर स्विच ऑफ है, पूरी प्लानिंग से मारा गया नजीब को। नजीब को शराब पिलाना ये प्लान का हिस्सा रहा होगा। कातिल शायद जानता था कि नजीब शराब का शौकीन। नजीब पीता था मैडम, उसे पीने का काफी शौक था। अशोक मौर्या के अलावा और कौन इतना करीब था जो इस गुड बॉय नजीब की बैड हैबिट के बारे में जानता था? शायद हिना ने अरेंज किया, शायद वो हिना और नजीब दोनों को जानता, शायद हिना को चाहता। हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी पीता हो, पर सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, मेरे ध्यान में कोई नाम नहीं आ रहा है। सर, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि नजीब और क्या बनने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और क्यों बनना चाहेगा। सर, मैं तो उसी नजीब को जानता था जो वो था। अशोक, क्या इस लिखाई का इशारा हिना की जिंदगी में उस दूसरे आदमी की तरफ था? क्या हिना ये चाहती थी कि नजीब उस दूसरे आदमी जैसा बने, या फिर वो दूसरा आदमी चाहता था कि नजीब उसके जैसा ना बने? मुझे नहीं मालूम सर, मैं नजीब के क्लोज था, मैं उसे जानता था, पर मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानता था। विजय मिश्रा, हिना की जिंदगी में ये नया आदमी विजय मिश्रा हो सकता है। सर, पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, लगातार बातचीत होती रही है हिना और विजय के बीच में, अनगिनत मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। तो जब हिना और विजय की लव स्टोरी शुरू हुई, तब तक नजीब और हिना की स्टोरी खत्म नहीं? खुद हिना भी कह रही थी कि नजीब से उसका ब्रेकअप 1 महीने पहले ही हुआ था। अगर इस लॉजिक से जाए कि नजीब विजय के रास्ते का कांटा था और विजय इस कांटे को निकालना चाहता था, तो हिना तो नजीब को अपनी जिंदगी से पहले ही दूर कर चुकी थी, तो फिर विजय नजीब को इस दुनिया से दूर क्यों करता? वैसे भी हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जो इस लिखाई को हमारे इस केस के साथ जोड़ता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो, हमें गुमराह करने के लिए किसी ने जानबूझकर इस दीवार पे ही लिख दिया हो? और सर, वैसे भी ये हिना है बहुत चलाक औरत। हिना के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस नंबर? हिना ने किसी को हायर किया हो इस मर्डर के लिए? नो सर। विजय मिश्रा, अरे मुझसे क्या पूछना है, मैं क्या बता पाऊंगा नजीब के बारे में? बैठो। नजीब को जानते थे? हाँ, नहीं मेरा मतलब है हिना से सुना था नजीब के बारे में, लेकिन कभी मिला नहीं उससे। हिना को कब से जानते हो? अफेयर कब से शुरू हुआ तुम दोनों का? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? और नजीब के साथ हिना का ब्रेकअप हुआ 1 महीना पहले, मतलब एक ही समय में हिना 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर एक दिन हिना ने फैसला किया नजीब को डंप करने का। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था सर,
वो तो एक दिन मैंने हिना को फोन पर नजीब से झगड़ते हुए सुना, तब मुझे नजीब के बारे में पता चला। नजीब बंद करो ये जासूसी करना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। स्टॉप, चिल्लाओ मत नजीब, चिल्लाओ मत। ये नजीब कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड है। परेशान कर रहे हैं? बीच बीच में भूल जाता है कि ब्रेकअप हो चुका है और शुरू हो जाता है। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। नजीब फारूकी, ये परेशान कर रहा था हिना को, ब्लैकमेल कर रहा था। हिना क्यों मानना चाहती थी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब क्या बनना चाहता था? और वो कोई और, क्या तुम हो? इन सब बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। मैं हिना से एक कॉफी शॉप में मिला था, दोस्ती हो गई, फेयर हो गया, हम साथ हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नजीब था हिना की लाइफ में, लेकिन मैं नजीब को नहीं जानता हूँ सर। और सर, जिस आदमी को जानता ही नहीं, उसके मर्डर के बारे में मैं क्या जानूंगा? आप मेरे पर्सनल लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? पुलिस के खिलाफ शिकायत कहाँ करते हैं? आप बताएंगे या नेट पर सर्च करूं? तुम कुछ मत करो हिना, तुम बस यहाँ तशरीफ ले आओ, और अगर तुम यहाँ नहीं आई ना तो हम वहां आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पुलिस वाले हैं तो जब चाहे परेशान करेंगे हमें। कमजोर मत समझिए हमें, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी आती है। पूरी दुनिया को बता दूंगी मैं कि आप मेरी मासूम बेटी को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। बैठ जाइए आप। सर कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। आपने मुझसे बात कर ली, विजय से बात कर ली, अब क्या पूछना है आपको? बैठ जाओ। हिना तुमने झूठ कहा हमसे कि तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। तुम नजीब और विजय इन दोनों के साथ एक ही समय पर रिलेशनशिप में थी। कोई कानून है ऐसा जो कहता है कि एक टाइम पर एक लड़की का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड हो सकता है? अगर मैं विजय और नजीब के साथ 5 और बॉयफ्रेंड्स भी रख लेती तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन लागू होता मुझ पर, बताएंगे जरा? क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं? मेरा नजीब के मर्डर के साथ कनेक्शन है, इसका एक भी सबूत है आपके पास? वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे। मुस्कुराहट हट नहीं रही है तुम्हारे चेहरे से। सर आप जब कुछ गलत नहीं करते ना तब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं होती। मैं आपके सिग्नल समझ रही हूँ सर, आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं बस कुछ कह दूं और आपका काम बन जाए। तुमने मरवाया नजीब को? पहले भी 10 बार पूछ चुके हैं आप, और 20 बार हम जवाब भी दे चुके हैं। झूठ जवाब नहीं होता, बल्कि कई और सवाल खड़े करता है। नजीब के कत्ल की 2 सेकंड भी तकलीफ नहीं दिखी हिना के चेहरे पर। जिस आदमी से 2 साल तक इतना करीबी रिश्ता रहा हो, उसकी मौत से हल्का सा भी फर्क ना पड़े। मैं नजीब के करीब थी, मगर फिर उससे बहुत दूर भी हो चुकी थी। उसके पागलपन से परेशान हो गई थी मैं। हाँ, नजीब से ब्रेकअप करने से पहले ही मैं विजय को डेट कर रही थी। मैं बता रही हूँ नजीब, आइंदा से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। और तुम कर सकती हो? मेरी पीठ पीछे धोखा? विजय नाम है ना उसका? विजय मिश्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में मेरे होने के बावजूद? मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि तुम 2400 घंटे मुझे पकड़े रहो। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं, है ना? हम एक ही मजहब से हैं, 2 साल से साथ में हैं, सब कुछ बराबर है, हमारे पास रहने के लिए जगह भी है ना। सिर्फ रहने की जगह काफी नहीं होती ना नजी, एक सांस लेने की भी जगह होती है, फिर कपल को एक दूसरे को देनी होती है, और उस जगह के बारे में तो तुमने सुना तक नहीं है। ये तो मीठी फिलोसफी है ना, ये तुम्हारी बेवफाई की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती, समझी? मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या वो विजय। विजय, बेशक विजय। गनीमत थी नजीब ने सामने से ही मुझे चुनने को कहा। उसके बाद से मैंने उसके साथ सारे रिलेशंस कट कर दिए, मगर उसका सताना कभी बंद नहीं हुआ, पर मैं इग्नोर करती रही। तो इग्नोर करना जारी रखती, मार कर डाला। हद होती है किसी बात की, अब तो आप डायरेक्टली मेरी बेटी को कातिल कह रहे हैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरी बेटी के, क्यों मार डालेगी वो किसी को? वही तो हम जानना चाहते हैं। अब जानना नहीं चाहते, आप ये चाहती हैं कि मैं सामने से कहूं कि मैंने नजीब का कत्ल किया है। तो किया है तुमने? कैसे किया? नहीं किया, रोज पूछेंगी तब भी रोज यही कहूंगी, नहीं किया सर।
सर वो फर्जी नंबर 444-7898-11 जिसे 10 सितंबर को नजीब को लास्ट कॉल आया था। हेलो सर, जिस मोबाइल पर वो सिम एक्टिव था उस मोबाइल का IMEI नंबर हमने ट्रैकिंग पे डाला था। वो मोबाइल फोन अभी भी यूज़ हो रहा है? नहीं सर। सर लेकिन एक महीना पहले उस मोबाइल फोन पर कोई दूसरा सिम एक्टिव था किसी बिमल चौरसिया के नाम से। सर ये बिमल चौरसिया का सिम अभी एक्टिव है? हाँ, एक दूसरे मोबाइल। सर हमें बिमल चौरसिया का एड्रेस भी मिला है। पुलिस को तेरे खिलाफ कुछ मिल गया है क्या हिना? बड़ा दम है पुलिस थाने की हवा में। दो बार क्या गए वहीं की जबान बोलने लगी हो। हाँ विजय, ये क्या हो रहा है ना? क्या क्या हो रहा है? मेरा मतलब है क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे पूछने वाली थी क्यों मार डाला तुमने नजीब को। मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूंगा ऐसा? एग्जैक्टली क्यों करोगे तुम ऐसा? और अब ये बताओ कि मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्यों पूछा ऐसा सवाल तुमने? हिना मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पुलिस तरह तरह के सवाल पूछ रही है मुझसे। तुमसे तो सिर्फ सवाल ही कर रही है ना, मुझसे तो सीधा कह रही है कि मैंने ही मार डाला है नजीब को। और अब ऐसे वक्त पे तुम भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो, इतना ही भरोसा है मुझ पे? नहीं नहीं ना, वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हाँ आई एम सॉरी, भरोसा करता हूँ तुम पर। लेकिन किसने मारा होगा नजीब को? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उससे फर्क पड़ता है। पुलिस मुझे कुछ फोटो दिखा रही थी, वो नजीब के लाश के आसपास कुछ लिखा हुआ था, तुम हो समथिंग ऐसा कुछ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। हाँ वही, किसने लिखा होगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने लिखा है? नहीं नहीं हिना, मेरा वो मतलब नहीं था, I'm sorry. It's okay. शाम को कॉफी शॉप? हाँ ठीक है। बिमल चौरसिया जी कहिए। सर लेकिन कहाँ कहाँ सर? पापा पापा देखो ना बाहर। अरे सर सर कहाँ पे? पापा ये देखो ना, ये देखो ना पापा। क्या लेके जा रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे हो सर? कहाँ ले जा रहे हो इसको सर? अरे क्या किया इसने? मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग मेरे की कसम से सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगा सर कुछ? आप लोग मेरे साथ कुछ नहीं किया। चुप। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा नंबर है ये? बोल, तेरा नंबर है ये? जी जी जी, जी मेरा नंबर। तेरा मोबाइल नंबर एक महीना पहले इस मॉडल के मोबाइल में एक्टिव था। इसका IMEI नंबर है 5632-4512-FT। बिमल चौरसिया नजीब फारूकी को कैसे जानता है? नजीब को जानता है ना तू? जानता नहीं हूँ सर, एक दो बार मिला था। वो कॉलेज है ना, वो RK सोनी गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ लैब टेक्नीशियन था वो। हाँ सर, सर वही कॉलेज। पारस बाग में एक हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया, पता तो होगा तुझे? पढ़ा था मैंने पेपर में। नजीब को कैसे जानता है तू? बस मिला था उससे एक दो बार यूं ही। कब कहाँ मिला था, कैसे? नजीब पहले हमारी कॉलोनी में रहता था, राय बहादुर कॉलोनी में, दो गली छोड़ के। सर वो इमरान के साथ मिला था एक दो बार, उसी ने मुझे मिलाया सर उससे। इमरान कौन है? मेरा पड़ोसी है सर। दरअसल ये मोबाइल सर ऐसा ही मोबाइल मेरे पास था, आपने जो नंबर बताया उसका पता नहीं, लेकिन सर ये मोबाइल मैं एक महीने से यूज नहीं कर रहा था। वो एक दिन इमरान आया, उसको मोबाइल चाहिए था सर। अरे बिमल। हाँ सुन ना, वो तेरे पास इससे पहले छोटे वाला फोन था ना, वो है तेरे पास या बेच दिया तुमने? है ना यार, वो सीरियल फोन कौन खरीदेगा अबे? अरे यार मुझे देना दो दिन के लिए, मेरा फोन खराब हो गया, रिपेयर के लिए दे रखा है, दो तीन दिन में ठीक होकर मिल जाएगा। सर उस दिन से सर ये मोबाइल मैंने उसको दे दिया सर। कब की बात है? एक हफ्ते हो गया सर। साहब वो सब तो निकल लिए। सर इमरान और उसके अब्बू अम्मी भाई भाभी सब एक साथ निकल गए। कब निकले? जैसे ही आप विमल को घसीट कर ले गए, इमरान के अब्बू असलम कुरैशी और उसका भाई शाहिद कुरैशी तेजी से घर के अंदर घुसे और सारा परिवार एक साथ निकल लिया। साहब सर पड़ोसी इमरान के रिश्तेदारों की डिटेल निकाल रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो भाग कर जा सकते हैं। सर
सारे बस और रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पे कर दिया इस परिवार के लिए। इस इमरान का नंबर नजीब के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखा था? सर 3 महीने के रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, उसमें तो नहीं था। हिना के रिकॉर्ड्स में? नो सर। लेकिन सर 1 साल पहले जिस मोहल्ले में नजीब रहता था उसी मोहल्ले में इमरान रहता था। उसके बाद कॉलेज से मिले हुए सरकारी क्वार्टर में नजीब शिफ्ट हुआ। तो हो सकता है सर 1 साल पहले जब हिना उस मोहल्ले में जाती होगी नजीब से मिलने के लिए, तब वहाँ उसकी पहचान इमरान से हुई हो। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान और हिना का पहले से अफेयर चल रहा और नजीब ने इमरान की जगह, इसलिए इमरान ने नजीब को मार डाला और संदेशा लिखा मरे हुए नजीब को कि तुम नजीब हो, नजीब ही रहोगे, इमरान नहीं बन सकते। सीधा सवाल है ना, तुमने इमरान को छोड़ा नजीब की वजह से और इमरान को पता ही नहीं होगा कि तुम नजीब को भी छोड़ चुके हो, इसलिए इमरान ने नजीब को मारा। पूरे स्टेट में नशाबंदी है और देखो दिन दहाड़े पुलिस वाले पीकर बैठे हैं। हिना सीधा सवाल है। जले भी जितना सीधा सवाल है मैडम, आप लोग ना सच में दिमाग से जाने लगे हो। आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन मेरा एक क्लास है, एक चॉइस है। ले देकर वो निकम्मा इमरान ही मिला था लिंक करने के लिए। तुम जानती हो इमरान को? बिल्कुल जानती हूँ। नजीब जब राय बहादुर कॉलोनी में रहता था तब इमरान वहाँ उसे मिलने आया करता था। मैं होती थी तो बात बात हो जाती थी, लेकिन एक नंबर का यूजलेस लड़का है वो। मैं पोलाइटली झेल लेती थी क्योंकि नजीब का अधूर का कजन। एक मिनट, इमरान नजीब का रिश्तेदार है? हाँ, मिल गया आप सुराग मेरे कंधे पर से फायर करने के बाद। अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर। इमरान कुरैशी, राय बहादुर कॉलोनी? जी हाँ, इमरान के पिता असलम कुरैशी और बड़ा भाई शाहिद कुरैशी जो मशीनरी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। हाँ हाँ, असलम कुरैशी वो तो हमारे काफी दूर के रिश्तेदार हैं। नजीब जानता था इमरान को क्योंकि पहले नजीब भी राय बहादुर कॉलोनी में रहता था। आपने ये बात पहले नहीं बताई करीम जी। पर सर इस इमरान का हमारे नजीब के मौत से क्या ताल्लुक? करीम जी इमरान का ताल्लुक नहीं है, इमरान शायद वजह है नजीब के मौत की। इमरान कुरैशी, शफीक पर ये इमरान के अब्बू असलम कुरैशी तो हमारे दूर के चचेरे भाई हैं। याकूब की बीबी राफिया के बहन का शौहर। कभी बातचीत भी नहीं होती थी उनसे, शादी और जनाजों में मिलते थे कभी, पर हमारे नजीब की इमरान से दोस्ती थी उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। इमरान हमारे नजीब का कत्ल क्यों करेगा, क्यों मारेगा उसे? सर जीआरपी ने पूरे कुरैशी खानदान को धर लिया है। प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे, ट्रेन के निकलने से पहले पकड़े गए। गुड, यहाँ पर ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन में वैसे ही बहुत ड्रामा होने वाला है। हमें तो इतने दिनों से पता ही नहीं था कि नजीब को इमरान ने मारा है। और जैसे इमरान की करतूत पता चली सबके सब निकल लिए, भाग लिए, बचाने की कोशिश की अपने बेटे को। मजबूरी थी हमारी, हम इमरान को पकड़ लेते इल्जाम हम पर भी आ जाता तो डर गए थे हम लोग। जैसे ही आप लोग बिमल को लेकर गए ये इमरान अपना बैग पैक करने लगा तो अम्मी को शक हुआ कि इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है, तो हम लोग को फौरन घर बुलाया। तू कुछ बताता क्यों नहीं इमरान को, जा किधर रहा है? अरे कुछ तो बोल इमरान। देखिए इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है और अब ये घर से भाग भी रहा है। कहाँ भाग रहे तू? हाँ तुझे पता है बिमल को क्यों पुलिस उठाकर ले गई? वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि नजीब के कत्ल के चक्कर में बिमल को पुलिस ले गई। इमरान तूने कुछ किया क्या? बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल। मैंने नजीब को मार डाला। क्यों मारा? अरे क्यों मारा? बोलना। ताकि मैं चैन से जी सकूं। अब्बू नहीं, अब और नहीं, मैंने नजीब को मार डाला है, मैं किसी को भी मार सकता हूं। नजीब को क्यों मार डाला? उसको यहां आना ही नहीं चाहिए था।
हम दोनों की दोस्ती होनी नहीं चाहिए थी। क्यों? हिना की वजह से, जिसे नजीब ने तुझसे छीन लिया। हिना कौन है? हिना कैसे? हिना को नहीं जानता। हिना कैसे? तो फिर नजीब को क्यों मार डाला? वो था और मैं हूं। क्या वो मैं बन सकता हूं? क्या नजीब इमरान बन सकता था? तो फिर मैं नजीब कैसे बन सकता था सर? ये पहेलियां मत पूछा, सीधा सीधा बोल कि नजीब को क्यों मार डाला। थक गया था मैं अब्बू और भाईजान के तानों से। रात भर आवारा गर्दी करने के बाद अब सुबह हुई है जनाब की, 26 के हो गए, लेकिन काम करने की कोई जल्दी नहीं है नवाब साहब को। और वो एक नजीब है, इसी की उम्र का है, एमएससी ऑनर किया है, सरकारी कॉलेज में परमानेंट जॉब करता है और आगे जाएगा, तरक्की की राह पे है। अब्बू वो नजीब है, मैं इमरान। वो घोड़ा है, हर रिस्क को जीतने वाला घोड़ा। तू इमरान गिंडा है, मोटी खाल वाला। भाई इतनी मोटी खाल नहीं है मेरी, क्या आप लोगों के ताने चुभे ही ना मुझे। चुभता है, जो बात चुभती हो सच होती है। तो मार डालो ना मुझे। रोज क्रोध क्रोध कर मेरा दिमाग और अपना वक्त खराब मत करो। नजीब हर दूसरे दिन हमारे घर टपक जाता था, भोकट का खाना खाता था, भोकट का ताना मुझे मिलता था। बेटा तू ही समझा इमरान को, ले तेरा दर्जा तो ऊंचा है पर ये गधा कुछ तो करे हमें बदनाम करने के अलावा। चाचा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हर किसी का वक्त आता है तरक्की का, हमारे इमरान का भी आएगा। अब्बू और साहिद भाई जान का तो सालों से वही वक्त चल रहा है, चपरासियों वाला, सबसे निचला दर्जा। क्या कहा? मेहनत और ईमानदारी का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। तेरे भाई और मैं जो दो पैसे कमा के लेके आते हैं वो तू चुराता है, बाहर जाके अय्याशी में उड़ाता है। देखो तो कैसे बेशर्म बेगैरत की जबान कैसे चलती है, देखो जैसे कि आपके हाथ चलते हैं। और चलेंगे, बहुत पहले चलने चाहिए थे और बार बार चलने चाहिए थे। इमरान दिल पे मत ले यार, अब्बू हैं वो तेरे, इसलिए वापस हाथ नहीं उठाया मैंने। नहीं ऐसा नहीं कहते यार। अच्छा सुना, मैं क्या सोच रहा था, तू कोई छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? हाँ तू लेक्चर देगा मुझे यार, मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रहा था भाई। मेरे भले की फिक्र मत करो नजीब, तुम हो, मैं हूं। जब नौकरी के बाद नजीब को सरकारी क्वार्टर मिला तो मानो अली बाबा खजाना मिल गया उसे, और ताने तो मतलब रातों रात डबल हो गए मेरे लिए। तू नजीब जैसा क्यों नहीं बनता? अब इन सालों मालूम था कि नजीब एकदम मेरी तरह दारू पीता है, तफरी करता है, चार ऐब हैं उसके अंदर, लेकिन अब्बू भाईजान को ऐब सिर्फ मेरे में दिखते और फिर तानों के तीर चालू हो जाते। अरे भाई मैं नजीब नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं तो इमरान हूं ना। ना मैं नजीब बनना चाहता, ना मैं नजीब बन सकता हूं, पर हर वक्त नजीब 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 जीना जहन्नम बना दिया था उन्होंने मेरे लिए। मैंने अपने दोस्त बंटी को बुला रखा था मर्डर में साथ देने के लिए। हाँ तुम सिर्फ तुम बन सकते हो, कोई और नहीं। मैं नजीब कैसे बन सकता हूं? नजीब इमरान कैसे बन सकता है? सही कह रहा हूं ना?
अब तो नजीब भी नहीं है, मेरी उससे अब तुलना भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं वेलापंती करता था, लुखागिरी करता था। मैं बस पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा किताबों के साथ 36 का आंकड़ा था और एक जगह बैठने से 136 का। पर क्या जबरदस्ती मुझे नजीब बनाया जा सकता था? कभी नहीं। और सर मैं सच कह रहा हूं, नजीब को मारकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। अब जो मुझे सजा होगी ना, वो उस टॉर्चर के आगे कुछ भी नहीं है। मैं अब सच में मैं हूं। अब तू कौन है पता है? एक खूनी। तेरा आगे का रास्ता कहां जाता है जानता है? जेल को। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जेल की घुटन में सांस ले रहा होगा और वहां नजीब नाम के कोई ताने नहीं मारेगा तुझे, उसके नाम की कोई मिसालें नहीं देगा, उसके नाम के कोई चाबुक नहीं मारेगा। अब सब अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि उन्हें इमरान नहीं बनना है। सोचो, पुलिस ने तो गांठ बांध ली थी कि किसी ना किसी तरह मुझे इस केस से जोड़े, लेकिन अंत में हुआ क्या? जो हुआ बहुत ही दुखद है ना, बहुत ही ज्यादा। सो तो है, मैंने कब ना कहा, है दुखद। भाईजान हौसला रखिए। हाँ करीम, लेकिन मैं जिंदगी भर एक बात नहीं समझ पाऊं कि नजीब की गलती क्या थी। सिर्फ ये कि वो इमरान के घर गया, उससे दोस्ती की। क्या नजीब की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो था एक होनहार मेहनती लड़का और इस बात की उसे इतनी बड़ी सजा मिली? बहुत चौंकाने वाली और समझ के परे है ये बात कि नजीब फारूकी जैसे होनहार आदमी को बेवक्त और बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। दो लोगों के बीच तुलना करना और खुद तोला जाना हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और तुलना का वो एक विषय अक्सर इंसान का वजूद बन जाता है। बचपन में पढ़ाई, जवानी में कमाई, कभी खूबसूरती की तुलना, कभी रंग की तुलना, हर किस्म की तुलना में जिसका परला हल्का होता है वो सामने वाले के साए में सुकुड़ने घुटने लगता है। दो तितलियों के रंग एक जैसे नहीं होते तो दो इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, नियति कहिए, कायनात हर इंसान को एक हुनर बतौर तोहफा देती है। कुछ लोग इस तोहफे का रैपर जल्दी खोल लेते हैं तो कुछ लोगों को इस तोहफे की मौजूदगी पहचानने में ही आधी जिंदगी निकल जाती है। ऐसे में जब किसी इंसान से कहा जाता है कि तुम उसकी तरह क्यों नहीं बनते, वो क्यों नहीं करते, तब उस इंसान से उसका वो तोहफा छीन लिया जाता है, उससे खुद को आजमाने का मौका छीन लिया जाता है। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार 30 दिसंबर रात एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।